अभी कोरोना का क्राइसिस इन लोगों का खेलेगा है कि हम लोगों का खेलेगा, सभी का है ना, सभी का है। तो यहाँ पर इन लोगों को एक्स्ट्रा पेनल्टी लगानी नहीं चाहिए। दूसरी बात, ईसीएस लगती है 2 तारीख को 5 तारीख को, बट यहाँ पे जैसे दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर 1 इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। समस्या मेरे अकेले की नहीं है, समस्या सभी की है। अबे कोरोना के चक्कर में इन लोगों को ऑफिस से बंद, बंद होने पर बंदा पैसा जमा कराने कैसे आएगा? अगर हमारे पास पैसे था भी जमा कराने के लिए, कैसे जमा कराने हूँ? या तो अपने बंदे को हमारे घर पे भेज दो, और आप इतना नहीं कर सकते हो तो भैया हमारे लोगों से आप जो एक्स्ट्रा की पेनल्टी ले रहे हो वो आपको लेनी नहीं चाहिए। अभी लोग बोल रहे हैं लिखा हुआ कहाँ पर है, लिखा हुआ तो आपका भी कहाँ पर है? आपने ऑफिस कैसे बंद कर दिया? गलती हमारी थी नहीं। दूसरी बात, PLV हो जाए लोगों के, हर चीज के ऊपर एक के चार चार बार पांच पांच बार ECS लगा करके ये बोलते हमने नहीं लिया, बैंक वाले बोलते हमने नहीं लिया, बट कस्टमर का तो ECS बाउंस का चार्ज कट गया। अब ये बात इनको समझाए कौन? ये लोग बोलते कि हमारा लोन गोल्ड लोन इस कैटेगरी में नहीं आता है जो गवर्नमेंट ने बोल रखा है, तो किस कैटेगरी में आता है भाई? NBFC आपका है, अगर नहीं आता है तो आपने ऑफिस बंद क्यों किया? अगर आप प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत चल नहीं सकते हो तो आप अपना ऑफिस खुला रखते हैं, बट आपने ऑफिस बंद किया उनके कहने पर, तो यार अब लोन के ऊपर भी आप छोड़ो। आपने क्या जमा कराया? भैया हमने तो दो दो तीन तीन जगह पेनल्टियाँ लगाई है। गोल्ड लोन के ऊपर मेरा करीब करीब 4,000 रुपये के आसपास का एक्स्ट्रा लगा दिया गया। क्यों? रेट रिवाइज कर दी 1% की जगह कर दी 1.70 रुपये। ये बोल रहे क्योंकि आपने जमा नहीं कराया इसलिए रिवाइज कर दी। जमा क्यों नहीं करवा पाया उसका कारण तो सोचो एक बार आप, क्योंकि आपको ऑफिस बंद था, लेने के लिए बंदे को भेजते। आपका नाम? मेरा नाम है प्रवीण वर्मा। आपका थाने में मुकदमा दर्ज कराओगे? जी बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, वो मैं कराऊंगा, ऑनलाइन भी कराऊंगा ऑफलाइन भी कराऊंगा, लेकिन अभी एक बार का इनका ब्याज तो भुगतूं, बकायदा इनसे मैं रसीद लूंगा एक्स्ट्रा ब्याज चुकाने की, उसके बाद प्रॉपरली रसीद करूंगा। दूसरी बात, PL के ऊपर 2 बार ECS लगानी चाहिए इनको, तीन तीन चार चार, किसी किसी कस्टमर के 6-6 बार ECS लगा रहे हैं। मेरा मकान है रेम्बल रोड पर। नाम आपका? प्रवीण वर्मा। गोल्ड लोन वगैरह इनसे ले रखा था, उस पर 1% ब्याज था, जो लॉकडाउन की वजह से हम जमा नहीं करा पाए क्योंकि काम धंधा ही नहीं था, हम हलवाई का काम करते, आगे जाके इन्होंने इस ब्याज को 1.70 रुपये कर दिया, जो ब्याज 22-23 हज़ार होना चाहिए था उसको 35-37 हज़ार रुपये कर दिया। इसके चक्कर में आज उस गोल्ड को भी बेचना पड़ रहा है और उनको ये पैसे जमा कराने पड़ रहे हैं आज, ये गोल्ड बेच के। क्यों? क्योंकि काम धंधा नहीं है, ब्याज कहाँ से जमा कराएंगे, और ये पेनल्टियों में बढ़ाए जा रहे हैं। 1850 की किस्त है मेरी, उसके ऊपर इन्होंने 1200 रुपये पेनल्टी चार्ज करी है, 1200 रुपये इन्होंने, बैंक 500 रुपये अलग से चार्ज करेगा उस पर, वो अलग है, यानी कि 1800 के ऊपर 1800 रुपये की पेनल्टी दे रहे हैं, और उसके बाद में बजाज फाइनेंस, और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि हमारे को कागज़ ला के दिखाओ सरकार का कोई, जिसमें उन्होंने ये आदेश जारी कराओ कि हमने आपको कोई रिबेट दिया है, या 3 महीने जो मॉनिटोरियम पीरियड उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा था कि किस्तें आगे बढ़ जाएगी, उसका कोई कागज़ ला के दिखाओ, ऐसा कोई कागज़। यानी ये कहना चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं मानते, उन्होंने जो कहा वो सब इनके लिए बेकार है, और RBI गवर्नर ने जो आदेश दिए वो सब बेकार है। ये तो कह रहे हैं कि हमारे को कागज़ ला के दिखाओ, अब हम दिहाड़ी मजदूर आदमी कहाँ से कागज़ लेके आए? आपका नाम कहाँ से आया? मेरा नाम नितिन चावला है, मैं विनय नगर पालविचला से आया हूँ, गोल्ड लोन के पैसे जमा करा रहा हूँ।